हाय फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी गाइड चैनल में आज आपका दोबारा स्वागत। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू सेल ए प्रॉपर्टी। एक मकान या फ्लैट आप कैसे बेचेंगे उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना है आपका प्राइस, क्या आप कोट करने वाले हैं प्राइस। तो उसके लिए आप कभी भी जल्दीबाजी मत करिए, आप एटलीस्ट कुछ मार्केट स्टडी करिए, रिसर्च करिए, फिर एक प्रॉपर एक एग्जैक्ट प्राइस आप कोट करिए ताकि आपका प्रॉपर्टी जल्दी बिके। और मान लो आपका प्रॉपर्टी आप खुद डायरेक्ट बेचना चाहते हैं, कोई एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन लिस्टिंग कर सकते हैं। हाँ, आपको ऑनलाइन लिस्टिंग में आपको ध्यान देना है कि आपकी प्रॉपर्टी की अच्छी फोटोग्राफी होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी की वीडियो भी आप अपलोड करिए, तो आपको जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। और किसी एजेंट के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 4 से 5 एजेंट को जरूर मिलिए और उनमें से जो एफिशिएंट, रिलायबल, नॉलेजेबल ऐसे एक एजेंट को फाइनलाइज करिए, फिर आप आपका प्रॉपर्टी उसको बेचने के लिए दे सकते हैं। और साथ साथ में जब 3-4 एजेंट को आप मिल रहे हैं तभी आप अपने प्रॉपर्टी के बारे में उनको पूछिए, वो लोग आपको एग्जैक्ट प्राइस कोट करके बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इतने में बिक सकता है, फिर आपको कोई भी प्राइस कोट करने में आसानी हो जाएगी। तो आप कोई एजेंट को फाइनलाइज कर लिया है तो आपको ध्यान देना है, उस एजेंट के साथ आपको स्टिक रहना है जब तक आपका प्रॉपर्टी बिका नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक एजेंट को बताते हैं साथ साथ में 6 एजेंट को और बता देते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी भी एजेंट से आपको 100% काम नहीं होता है। और उसके साथ साथ और एक गलती भी लोग करते हैं, एजेंट को बेचने के लिए बोलते हैं साथ साथ में उसको ऑनलाइन लिस्टिंग भी कर देते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। वो करेंगे तो कोई भी एजेंट आपके लिए 100% काम नहीं करेगा, तो आपका प्रॉपर्टी लंबा टाइम तक बिका नहीं जाएगा। उसके साथ कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, चाहे मकान हो चाहे फ्लैट हो, आपको थोड़ा उसको रिनोवेशन करना पड़ेगा। कैसे, क्या होता है, किसी चीज़ को आपको बेचना है, मार्केट में ले जा रहे हैं, तो आप उसको अच्छा लुक देना पड़ेगा, इट शुड बी लुक्स बेटर, मतलब पहले से अच्छा दिखना चाहिए ताकि लोग उसको तुरंत पसंद करें। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हूँ जो लोग घर बेचने निकालते हैं, 8-10 हज़ार रुपये पेंटिंग के लिए भी खर्चा नहीं करते हैं। आप 50-60 लाख में घर बेच रहे हैं तो 15-20 हज़ार रुपये आप खर्चा करिए, घर एकदम नया हो जाएगा, कोई भी क्लाइंट आपके आएंगे तुरंत वो फाइनल हो जाएगा, आपका भी टाइम ख़राब नहीं होगा, आपके एजेंट का भी टाइम ख़राब नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और साथ साथ में उस प्रॉपर्टी का सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा चेक करना है कि आपने आपके नाम पे सोसाइटी में ट्रांसफ़र करवाया कि नहीं है, बिजली का बिल आपके नाम पे है कि नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स आपके नाम पे है कि नहीं, ये सारे चीज़ आपको रेडी करके रखना है ताकि जब फाइनल होता है तुरंत आपका डील जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपने जो प्रॉपर्टी बेचने निकाले हैं और जो प्राइस आपने कोट किया है मार्केट में आपके पोटेंशियल बायर के लिए, आप उसमें क्लियर करना है कि वो प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड है। कहीं कहीं पे कोई कोई फ्लैट फर्निश रहता है तो उसके अंदर वो फर्नीचर इंक्लूडेड है क्या, और किसी किसी जगह में जो सेलर होते हैं उसमें वो लोग NOC का चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ये भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको क्लारीफाई करना है जब इस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं कोई बायर के सामने। और कभी भी प्रॉपर्टी आप बेचने निकाले हैं, कोई एजेंट आपके प्रॉपर्टी को विजिट करा रहे हैं या क्लाइंट विजिट कर रहे हैं, तो आप विजिट होने के बाद उसका फीडबैक जरूर लीजिए और आप एसेस करिए कि वो क्लाइंट देख के क्या बोला, कैसा लगा, और उसने यदि हमारा प्रॉपर्टी नहीं लिया तो और कहाँ पे लिया और क्यों लिया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके प्रॉपर्टी में क्या कमी है और क्यों आपका प्रॉपर्टी की डील जल्दी नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने ओवर प्राइस्ड कोट किए हैं तो रेट थोड़ा सा कम करिए तो जल्दी आपका प्रॉपर्टी बिक जाएगा। और किसी किसी केस में क्या होता है कि प्रॉपर्टी बेचने निकालते हैं लोग और जब एजेंट दिखाने के लिए आते हैं या कोई क्लाइंट देख के जाते हैं तो वो लोग उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं, कि क्या होता है उनको अच्छा लगता है प्रॉपर्टी, वो फ़ोन करते हैं कि सर क्लाइंट को प्रॉपर्टी अच्छा लगा, आपसे मीटिंग करना है, लेकिन जो सेलर है हो सकता है वो कहीं पिकनिक पे निकल गए, कहीं पे छुट्टी पे निकल गए, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका रेपुटेशन भी ख़राब होता है और आपका प्रॉपर्टी दोबारा कोई एजेंट उसको सीरियसली बेचने के लिए भी निकालेगा नहीं और आपका प्रॉपर्टी बिकेगा भी नहीं। तो आपको हमेशा आपके एजेंट या जो पोटेंशियल बायर उसके साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी है। और कभी भी प्रॉपर्टी आपका फाइनलाइज हो रहा है, 4-5 क्लाइंट उसको पसंद किए हैं,
तो उसमें से आप जो बेस्ट क्लाइंट है उनको आप पिक करिए। बेस्ट क्लाइंट आप पिक कैसे करेंगे? आप आपके एजेंट से सलाह मशवरा करिए और देखिए उस क्लाइंट का पेमेंट टर्म्स कैसा है। कोई कोई क्लाइंट क्या रहते हैं, जो बायर्स होते हैं वो लोग कहीं पे फ्लैट बेच के आपके फ्लैट खरीदने आते हैं, तो उस केस में वो बायर बेस्ट होता है क्योंकि उसके पास सारे पेमेंट रेडी है, लोन थोड़ा सा रहता है और बाकी उसको नॉलेज भी रहता है कि एक सेल में क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो उस वो डील आपका जल्दी क्लोज हो सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें से बेस्ट बायर कौन है और उसके साथ आपको स्टिक करना है। तो वंस आपने बायर डिसाइड हो गया, फिर आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए। आपका जो लीगल एडवाइज़र हो या आपका रियल एस्टेट एजेंट जो कंसल्टेंट है हो, उनको ये सब नॉलेज है, वो आपको हेल्प करेंगे। तो इसी प्रकार आपका डील पूरा कंप्लीशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाउ टू सेल ए प्रॉपर्टी, ये टॉपिक के ऊपर आज हमने कुछ पॉइंट्स बताए, तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल गया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक बटन दबाइए और हम लोग को मोटिवेट करते रहिए। और किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट में आपको कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई डाउट्स है या कोई क्वेरीज है, तो आप क्या करिए, नीचे दिया हुआ कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए और पोस्ट कर दीजिए वीडियो के बिल्कुल नीचे, तो हम लोग उसको ज़रूर सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे और आपको जितना हो सके हम लोग मदद करेंगे। आपको ही मालूम है जैसे कि लोगों की ज़िंदगी में शादियाँ एक बार होता है और कोई नसीब वाला रहता है तो 2-3 बार होता है, बस ऐसे ही प्रॉपर्टी खरीदना ज़िंदगी में लोगों के साथ एक बार या 2-3 बार होता है। तो प्रॉपर्टी जब बाई करते हैं या प्रॉपर्टी आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेम्बर में कोई खरीद रहे हैं, उसमें गलतियां नहीं होना चाहिए। तो उसीलिए हम लोग आपको ये सारी जानकारियां देते रहते हैं और नए नए जानकारियां आपको मिलते रहेंगे और हम लोग नए नए जानकारी के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। बस आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको इंटीमेशन मिलता रहे और आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।